मध्य प्रदेश में सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0 अभियान के 3 चरणों 7 से 12 अगस्त, 11 से 16 सितंबर और 9 से 14 अक्टूबर तक संचालित किया जाएगा। इस अभियान को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों को लेकर रविवार को CMHO मोहन सिंह सिसोदिया ने प्रेस वार्ता में जानकारी साझा की। CMHO ने बताया कि नियमित टीकाकरण कार्यक्रम से छूटे हुए एवं ड्रॉप आउट 2 साल तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के लिए मिशन इंद्रधनुष चलाया जा रहा है। जिले में एक भी जच्चा बच्चा टीकाकरण से वंचित नहीं रहे, इसका प्रयास कर रहे हैं। अभियान में चिन्हित जन्म से 2 साल तक के बच्चों को 10 जानलेवा बीमारियों से बचाव संबंधित निर्धारित टीके निशुल्क लगाए जाएंगे। वहीं टीके से वंचित गर्भवती महिलाओं को भी संबंधित टीके की निर्धारित डोज लगाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। मीडिया कार्यशाला रखी है राष्ट्रीय सघन मिशन इंद्रधनुष के उपलक्ष्य में। ये राष्ट्रीय मिशन इंद्रधनुष हमारा जो MRE है, हमको 2023 में एलिमिनेट करना है मिजल्स रूबेला। उसी के तारतम्य में हम लोगों ने जो न पहुंचे हम तक, हम पहुंचे उन तक मिशन सघन मिशन इंद्रधनुष 3 चरण में चलाएंगे। पहला चरण हमारा 7 अगस्त से कल से चालू हो रहा, द्वितीय चरण 11 सितंबर से रहेगा और तृतीय चरण 9 अक्टूबर से रहेगा। ये हमारा पूरा एक वीक हम मनाएंगे और इस दौरान जो भी हमारे बच्चे छूटे हुए 0 से 5 साल तक के और गर्भवती माता जो टीकों से छूटी हुई, जो 12 प्रकार के हम जो टीके लगे उनमें से एक भी कोई टीका अगर छूटा हुआ तो वो हमारा लैपटॉप ड्रॉप आउट में बच्चा आएगा और उनका हम 100% टीकाकरण करेंगे। इसके साथ ही कल हमारा एक कोविन, हमारा जो कोविन के तर्जे पे यूविन अभी हमारा आ गया है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।